स्पॉन्सर्ड बाय गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को दिल्ली में पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य की ग्राम पंचायतों को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता जाहिर की। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, यह गर्व की बात है। वो कहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 46 पुरस्कारों में से राज्य ने 13 पुरस्कार जीते। उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि तेलंगाना ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में 9 थीम आधारित श्रेणियों में से 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों ने इन पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिनमें से केवल 46 गांवों को ही पुरस्कार मिले। तेलंगाना ने 13 पुरस्कार जीते, जो कुल घोषित पुरस्कारों का 30% है। तेलंगाना ने 13 में से पहली 4 रैंक हासिल की, ये एक महान क्षण है। उन्होंने कहा, ये पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा लागू तेलंगाना सरकार के गांवों के विकास को ये पुरस्कार दिखाते हैं कि नया राज्य तेलंगाना कैसे सब राज्य से आगे बढ़ रहा है। हमारे द्वारा की जा रही पल्ली प्रगति, गांव की प्रगति सहित ग्रामीण विकास गतिविधियों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पंचायत राज मंत्री अबेली दयाकर राव, सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, आयुक्त हनुमंत राव, संबंधित गांवों के सरपंच, एमपीपी, जिला परिषद अध्यक्षों और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। तेलंगाना नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।